तो और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पबजी पुजारी YT पे। दोस्तों, अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की हुई थी BGMI के शेयरिंग को लेकर, जिसे देखने के बाद काफ़ी सारे बंदों ने उस वीडियो पे कमेंट किया है और सभी बंदों को एक सेम प्रॉब्लम आ रही है, सभी को कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको वो कमेंट्स दिखा देता हूँ जो मेरे प्यारे भाइयों ने किया है, उसके बाद हम आगे की वीडियो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा एक भाई लिखता है कि ब्रो फोल्डर नहीं क्रिएट हो रहा है, तभी दूसरा भाई लिखता है कि फाइल शो नहीं हो रहा है, और जो तीसरा वाला भाई है ये तो सबसे अलग लिखता है डायरेक्ट पेस्ट भी नहीं हो रहा है वहाँ और ना न्यू फोल्डर क्रिएट हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। अब ऐसा नहीं है कि सारे बंदों के निगेटिव कमेंट्स ही आए हैं, काफ़ी सारे बंदे ऐसे भी है जिनका मेरी वीडियो देखने के बाद काम हो गया है, उनके डिवाइस में OBB फोल्डर क्रिएट हो गया है और वो अब बिना किसी प्रॉब्लम के गेम को इंजॉय भी कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आइए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि हमारे सारे वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ फाइल वाले ऐप में, और फाइल वाले ऐप में आने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है एंड्रॉयड वाले फोल्डर में। और जब आप एंड्रॉयड वाले फोल्डर में आ जाओगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड वाला फोल्डर शो हो रहा है, तो इसमें आपको एंटर कर जाना है। इसमें टैप करने के बाद आपको यहाँ पर OBB नाम का एक फोल्डर दिखेगा, तो इस OBB वाले फोल्डर पर टैप कर देना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर com.pubg.imobile नाम का एक और फोल्डर दिखेगा, तो आपको उसके ऊपर भी टैप कर देना है। अब यहाँ पे वो मेन फोल्डर है दोस्तों, जो आपको इंटरनल स्टोरेज में जा कर के एंड्रॉयड वाले फोल्डर में पेस्ट करना होता है, तो यही वो फोल्डर है जिसको आपको पेस्ट करना पड़ता है, और इसका साइज़ है 666 MB। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों को दिक्कत क्या आ रही है कि किसी के डिवाइस में OBB वाला फाइल शो नहीं हो रहा है, तो किसी के डिवाइस में OBB का फाइल अगर शो हो भी रहा है तो उसके अंदर com.pubg.imobile वाला फोल्डर क्रिएट नहीं हो रहा है। अब com.pubg.imobile वाला फोल्डर अगर क्रिएट होगा नहीं, तो आप उसके अंदर ये मेन फोल्डर जो होता है ना पबजी का या BGMI वाला, वो आप उसमें पेस्ट नहीं कर पाओगे, और जब तक आप उसमें वो पेस्ट नहीं करोगे तब तक आपका BGMI ID रन नहीं होगा, आप पबजी नहीं खेल पाओगे या फिर BGMI नहीं खेल पाओगे। और अब मैं बताता हूँ आप सभी को कि किस तरह से आपके डिवाइस में OBB फोल्डर भी शो होगा और com.pubg.imobile वाला फाइल भी क्रिएट होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है अपने डिवाइस के प्ले स्टोर वाले ऐप में, और यहाँ पे आने के बाद ऊपर जो राइट साइड में आपका प्रोफाइल है उस पर टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जब आप इस पर टैप करोगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर फैमिली वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, और उस पर टैप करने के बाद पेरेंशियल कंट्रोल पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। और इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक पिन डालना पड़ेगा, तो जो मैं पिन बताता हूँ आप वही पिन सेम टू सेम अपने डिवाइस में डाल लेना। तो यहाँ पे आप डालना 1 2 3 4, और डालने के बाद ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐप्स एंड गेम्स में जाना है, और यहाँ से 12+ पे सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करके इसको यहाँ से सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद फिर से बैक स्क्रीन पर आ जाना है, और यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है ES फाइल एक्सप्लोरर। जब आप ES फाइल टाइप करोगे तो ऊपर आपको शो होने लगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर ES फाइल एक्सप्लोरर। अब इसको सर्च करने के बाद आपके स्क्रीन पे ऐसे बहुत सारे रिलेटेड ऐप्स शो होने लगेंगे, तो आपको किसी भी अदर ऐप पे क्लिक नहीं करना है, किसी भी अदर ऐप को आपको इंस्टॉल नहीं करना है। ये जो यहाँ पर थर्ड वाला ऐप शो हो रहा है CX फाइल एक्सप्लोरर, जिसका साइज़ है 5.7 MB का, तो आपको ये वाले ऐप को इंस्टॉल करना है, किसी भी अदर दूसरे ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, एंड फाइनली गाइस ये वाला ऐप अब हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक और छोटी सी प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते थे, फिर हमने पिछली वाली स्टेप्स क्यों फॉलो की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पिछली वाली स्टेप्स हमने फॉलो की, इसको फॉलो करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तब आपकी BGMI ID पूरी 100% सेफ रहती है और सिक्योर रहती है। लेकिन अगर आप पिछले वाले बिना स्टेप फॉलो किए इसको डाउनलोड करते हो, तो इससे आपके BGMI ID के बैन होने के चांसेस और हैक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो आपको पिछले वाले स्टेप फॉलो करके ही इसको इंस्टॉल करना है, और वैसे भी इसमें कितना टाइम जाता है। और अब आपको ओपन करना है अपने फ़ोन का सेटिंग वाला ऐप, और इसको ओपन करने के बाद ऊपर सर्च बार में सर्च करना है DNS। जब हम DNS टाइप करते हैं तो ऊपर प्राइवेट DNS करके एक फोल्डर आता है, तो इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद नीचे प्राइवेट DNS वाले ऑप्शन में चले जाना है, और यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। ये जो प्राइवेट DNS वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये सभी के डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, तो यहाँ से इसको आपको डिजाइनेटेड प्राइवेट DNS वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है। और इनेबल करने के बाद मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे टैप करना है, और यहाँ पे टाइप करना है DNS.google टाइप करने के बाद इसको अब यहाँ से सेव कर देना है। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे हमारा 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है, और अब बचा हमारा 20% वर्क। तो वो जो 20% वर्क है वो आपको CX फाइल एक्सप्लोरर वाले ऐप में करना है, यानी कि जो ऐप हमने इंस्टॉल किया था अब वो ऐप को आपको चालू करना है, उस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ पर ये कुछ परमिशंस मांगेगा, तो उन सभी को अलाउ कर देना है। सभी परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पे मेन स्टोरेज पे टैप करना है, और मेन स्टोरेज पे टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका वो वाला फाइल ढूंढना है जहाँ से आपने BGMI और OBB वाला फोल्डर लिया था। तो मैंने तो Xiaomi से लिया था, तो मैं Xiaomi वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। और अगर आप किसी अदर ऐप से इसको रिसीव करते हो, किसी अदर ऐप से आप BGMI ऐप और com.pubg.imobile वाला मेन फोल्डर लेते हो, तो वो वाले ऐप के फोल्डर में आपको चले जाना है। और वो ऐप के फोल्डर में जाने के बाद वहाँ से आपको इसका मेन जो फोल्डर है com.pubg.imobile वाला, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद आप अगर चाहे तो यहाँ से इसको डायरेक्ट मूव भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हो। अब मैं इसको डायरेक्ट मूव करूँगा, तो मूव वाले ऑप्शन पर मैंने टैप कर लिया। और मूव वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको एंड्रॉयड वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है एंड्रॉयड वाला ऑप्शन कहाँ पे है, और फिर आपको एंड्रॉयड वाले ऑप्शन में जाना है। और एंड्रॉयड वाले ऑप्शन में जाने के बाद OBB वाले फोल्डर पे क्लिक करना है, और इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, टैप यूज़ दिस फोल्डर बटन ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। तो आपको ओके क्लिक कर देना है, और जब आप ओके पे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूज़ दिस फोल्डर, तो यूज़ दिस फोल्डर पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद अलाउ करना है, और अलाउ करने के बाद आपके स्क्रीन पे ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड कॉर्नर में तीन डॉट दिखेंगे, तो उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद फोल्डर वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, जो फोल्डर मैं नाम डालूँगा वही फोल्डर का नाम आपको एज इट इज़ सेम टू सेम कॉपी करना है, यानी कि आपको एज इट इज़ सेम टू सेम फोल्डर अपने डिवाइस में क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है com.pubg.imobile, और ये सभी स्मॉल वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, अब मैं ओके पर टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा फोल्डर क्रिएट नहीं हो रहा है। अब ये क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इस नाम का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, यानी कि एक नाम का फोल्डर अगर रहता है तो उसके जैसे ही सेम टू सेम फोल्डर दूसरा क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो आपको com.pubg.imobile वाले मेन फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरा प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।